चक्रवाती तूफान मिचंग का असर पूरे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और बुधवार को इसके प्रभाव के कारण राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश के साथ ठंड भी बढ़ती देखी जा रही है। इस वजह से शहर के मुख्य मार्ग सहित अन्य मार्गों में अब आवागमन सामान्य से भी बहुत कम है। लोग आवश्यकता के अनुसार ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं सामान्य दुकान भी बहुत कम खुली हुई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार मिचंग का प्रबल प्रभाव आज बुधवार को देखने को मिल रहा है, जो संभवतः कल बृहस्पतिवार तक रहेगा और शुक्रवार को संभवतः रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की गई है। 6 और 7 में झारखंड पूरे राज्य में आपको कुछ कुछ जगह पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, तो 6 और 7 में थोड़ा सा हल्का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल झारखंड में देखने को मिलेगा। और अभी से लेके 4 से लेके 8 तारीख तक जो है थोड़े बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो अभी अगले 24 घंटे में ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी हाल के दिनों में भी झारखंड में थोड़े बादल छाए हुए थे पश्चिमी विक्षोभ के असर से, वो छटे नहीं थे, साथ साथ में अभी बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के भी बादल आ रहे हैं। तो अभी 7-8 तारीख तक आपको बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। जो अधिकतम तापमान है बादल की वजह से उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और 8 तारीख के बाद से जो झारखंड में मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा, जब टेम्परेचर फिर से न्यूनतम तापमान का पारा आपको गिरेगा। सुबह में आपको थोड़ा सा धूप देखने को मिलेगा आपको 9 तारीख के सुबह से। तो कुल मिला के ये है कि सिस्टम का आंशिक असर झारखंड में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से बादल आने शुरू हो गए हैं और 5, 6, 7 में थोड़ी झारखंड में बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 7 तारीख को थोड़ी सी गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है, खासकर दक्षिणी और उससे सटे हुए मध्य भागों में। शेष भागों में कोई वैसी चेतावनी नहीं है, बट क्योंकि ठंड का समय थोड़ा बारिश हो जाने से हल्के दिन में जो ठंड है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है, तो लोगों से हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि थोड़ा सावधानी बरतें। किसान भाइयों के लिए ये सलाह है कि अगर खरीफ के परिपक्व जो हो गए हैं धान, तो आप उसको हटा ले, सुरक्षित स्थान पर भंडारण कर ले, और साथ में जो फल सब्जी ये सब जो पके हुए हैं उनको भी आप तोड़ के सुरक्षित भंडार में रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा सा हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा और किसान भाइयों से है कि इस मौसम को देखते हुए अपनी कृषि की जो कार्रवाई है उस हिसाब से करें, कोई भी वैसे छिड़काव नहीं करें, मौसम साफ होने के बाद आप कोई छिड़काव वैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।